हेलो फ्रेंड्स, एमएम इलेक्ट्रिक्स लैब में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास एक 15 इंच का स्पीकर आया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो वॉइस कॉइल है वो पूरा जल चुका है। देखिए आप फ्रेंड्स, ये हमारा 8 ओम्स 200 वाट का स्पीकर है। इसका जो वॉइस कॉइल है ये खराब हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको निकालते हैं और एक नया वाला वॉइस कॉइल लगा के आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप जब भी वॉइस कॉइल को लगाते हैं तो उसका ओरिजिनल ही लगाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नया वाला वॉइस कॉइल है। देखिए आप, ये इसका ओरिजिनल वॉइस कॉइल है। ये हमारा आउजा का है। तो फ्रेंड्स, आपके पास हॉट गन है तो आप इससे उस ग्लू को निकाल सकते हैं, नहीं तो आप सोल्डरिंग आयरन से भी इसको निकाल सकते हैं। तो हम इसको सोल्डरिंग आयरन से निकाल के आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा होल है वो सही हो चुका है। ये हमारा वॉइस कॉइल से लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसका जो अंदर उसको साफ करते हैं और फिर उसमें इसको लगा के आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा साफ हो चुका है। देखिए आप, इसके अंदर कोई भी डस्ट नहीं है। देखिए आप, ये हमारा ओरिजिनल वॉइस कॉइल है। तो ठीक है, हम इसको लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने वॉइस कॉइल को लगा दिया है। ठीक है आप, और इसका हाइट आप इतना ही रखिए। उसके बाद हम वॉइस कॉइल का जो वायर है उसको सोल्डरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वॉइस कॉइल का वायर सोल्डरिंग हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे हैबिटेट का ग्लू को यूज करेंगे। इसको हम समान मात्रा में मिलाकर वॉइस कॉइल के ऊपर लगाएंगे। इसको लगाने के बाद इसको 5 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे डस्ट कैप को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्पीकर बनके रेडी हो चुका है। देखिए आप,